वीवीआई क्वेश्चंस होगा सेमेस्टर 4 पीजी आपका वीवीयू हजारीबाग के लिए। तो यूटिलिटी फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल इज ए गिवेन यू इक्वल टू एक्स प्लस टू टाइम्स वाई प्लस वन, यानी यहाँ यूटिलिटी इज द डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई, ठीक है। फाइंड आउट ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ गुड्स यूजिंग द लैग्रेंजियन मैथड, यानी यहाँ लैग्रेंजियन मैथड से आपको बनाना है। इट इज ए गिवेन द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स इज ए 4 rupees एंड प्राइस ऑफ 4 rupees पर यूनिट एंड प्राइस ऑफ गुड्स वाई इज 6 rupees पर यूनिट एंड इनकम ऑफ इंडिविजुअल जिसको डिनोट आई से किया है इक्वल टू 130। तो सबसे पहले आपको बजट कंस्टेंट बनाना पड़ेगा, प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई टाइम्स वाई वो इनकम आई के बराबर है। तो लैग्रेंजियन में आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करना पड़ेगा यूटिलिटी फंक्शन को और ये सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट होगा, यानी प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई टाइम्स वाई इक्वल टू आई, ये हमारा हो गया। अब इसको लैग्रेंजियन सेटअप में इस प्रॉब्लम को हम करते हैं, लैग्रेंजियन सेटअप फॉर दिस प्रॉब्लम, लैग्रेंजियन सेटअप, रुको, लैग्रेंजियन सेटअप फॉर दिस प्रॉब्लम। तो क्या हो जाएगा, हम उसको जेड से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एक्स प्लस टू टाइम्स वाई प्लस वन प्लस लैम्डा और ये आई है इधर रहेगा और ये दोनों उधर शिफ्ट कर दीजिए, वाई आई माइनस प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स एक्स माइनस प्राइस ऑफ वाई टाइम्स वाई, ये हो गया। अब इसका फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस हम लेंगे, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे जिसको हम डिनोट कर सकते हैं जेड एक्स, यानी उसको सेट करें इक्वल, जेड एक्स डिनोट कर रहा है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का एट द सेम टाइम वाई इज द हेल्ड कॉन्स्टेंट। तो यहाँ मल्टीप्लाइकेटिव कॉन्स्टेंट एक्स का लेंगे वो वन होगा, ये जीरो होगा, तो यहाँ जीरो प्लस वन वन और ये मल्टीप्लाइकेटिव कॉन्स्टेंट है इसलिए होगा वाई प्लस वन और इधर होगा लैम्डा टाइम्स प्राइस एक्स के रिस्पेक्ट में प्राइस ऑफ एक्स होगा इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसको आप एक लाइन और सॉल्व कर सकते हैं, वाई प्लस वन लैम्डा टाइम्स प्राइस ऑफ एक्स, इट बिकम इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्डर कंडीशन के लिए इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जेड वाई, यानी दिस जेड वाई स्टैंड फॉर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसको सेट करना इक्वल टू जीरो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू माइनस लैम्डा प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाइकेटिव कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x को हेल्ड कांस्टेंट किए, तो ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, x प्लस टू लैम्डा टाइम्स प्राइस ऑफ y को उधर शिफ्ट कीजिए तो ये बन गया इक्वेशन नंबर टू। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर टू बन गया और ये वाला हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब लेंगे तो उसके लिए चेक करने के लिए सेकेंड ऑर्डर कंडीशन फॉर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के लिए हम रख रहे हैं, यहाँ यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। ऑप्टिमल कंजप्शन बंडल का मतलब ही होता है कि आपको मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स एक्स एंड वाई निकालना है, इसको वार्लसियन डिमांड फंक्शन भी कहते हैं या ऑर्डनरी डिमांड फंक्शन भी कहते हैं या इसको अनकम्पेंसेटिव डिमांड फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो तीसरा बार लेना है जेड को लैम्डा के रिस्पेक्ट में और उसको सेट करना है जीरो, तो वो बिल्कुल बजट कंस्टेंट की तरह आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आई माइनस प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स एक्स माइनस प्राइस ऑफ वाई टाइम्स वाई इक्वल टू जीरो, उधर कर देंगे आई इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स टाइम्स एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई टाइम्स वाई, ठीक है। तो इसको हम सजा के अरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर थर्ड बन गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक काम और भी कर सकते हैं, ये वाला हमको ज़रूरत होगा जब हमको सेकंड ऑर्डर कंडीशन को सेटिस्फाई। यहाँ प्राइस ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया गया, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स का 4x प्लस 6y इक्वल टू 130, डायरेक्टली हम वहाँ करेंगे यही इक्वेशन नंबर, अब इसको थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो
इक्वेशन वन और टू को डिवाइड करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय टू, पहला इक्वेशन को दूसरा इक्वेशन से डिवाइड करना है। तो वाई प्लस वन, वाई प्लस वन यहां हो जाएगा एक्स प्लस टू इक्वल टू लैम्डा प्राइस ऑफ एक्स बाय लैम्डा प्राइस ऑफ वाई। तो लैम्डा ऊपर नीचे प्रिसेंस है आपका, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन आप यहाँ कर सकते हैं, वाई प्लस वन एक्स प्लस टू, और ये प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई का वैल्यू आपको ये दिया गया है, इसको और आप सिंप्लीफाइड कर सकते हैं ये। तो थ्री वाई प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस टू इक्वल टू टू, ऐसा हो सकता है। तो थ्री वाई प्लस थ्री टू एक्स प्लस फोर, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं थ्री वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर, और ये इधर कर दो माइनस थ्री। तो थ्री वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा, y इक्वल टू हो जाएगा टू एक्स प्लस वन बाय थ्री, और सिमिलरली हम इसी रिलेशन से x का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें। y का तो निकल गया, x का निकालते हैं। तो यहाँ पर है टू एक्स प्लस वन, ये पहले लिखें इक्वल टू थ्री वाई है, तो ये क्या हो जाएगा टू एक्स इधर हो जाएगा, तो थ्री वाई माइनस वन, इसको वन को उधर कर दिए तो एक्स इक्वल टू थ्री वाई माइनस वन बाई टू। तो देखो एक्स का भी वैल्यू निकल गया, वाई का भी वैल्यू निकल गया। अब इक्वेशन नंबर थर्ड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर हम वाई का वैल्यू देंगे तो ये फंक्शन एक्स होगा, तो एक्स मैंने ऑप्टिमल डिमांड फंक्शन या ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स निकलेगा। तो ज़्यादा चीज़ हम मिटा भी नहीं सकते हैं, चूँकि सेकेंड ऑर्डर कंडीशन हमको सेटिस्फाइड करना है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन की जो डेरिवेटिव ली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बजट कंस्ट्रेंट यानी इक्वेशन नंबर थर्ड लिख देना है, फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू वन थर्टी, ये यहाँ पर है इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसमें आप वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो फोर एक्स प्लस सिक्स और वाई का वैल्यू हम लोगों ने ये निकाला टू एक्स, टू एक्स प्लस वन बाई थ्री इक्वल टू वन ट्वेंटी। तो देखो ये दो बार में कट गया, तो फोर एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई करो फोर एक्स, और प्लस टू हो जाएगा इक्वल टू वन थर्टी, ठीक है। तो ये एट एक्स हो गया, और वो वन थर्टी माइनस टू, तो एट एक्स इक्वल टू वन ट्वेंटी एट, तो देयर फोर एक्स इक्वल टू वन ट्वेंटी एट बाय एट। तो एट वन जा एट और एट सिक्स जा फोर्टी एट, ठीक है। तो ये ऑप्टिमल जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स का निकल गया, वाई का निकालना, एक्स का क्या निकला, हम इसको ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स को हम एक्स पॉइंट से लिख रहे हैं, एक्स इक्वल टू सिक्सटीन निकल गया। अब इसी तरह इसी बजट कंस्टेंट दैट इज द इक्वेशन नंबर थर्ड में हमको वैल्यू किसका पुट करेंगे, नाउ एक्स का वैल्यू इन ऑर्डर टू गेट ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ गुड्स वाई, क्योंकि फंक्शन अब वाई में भी कम हो जाएगा। तो फोर और एक्स का वैल्यू आपका है थ्री वाई माइनस वन, थ्री वाई माइनस वन बाय टू, ये हो गया प्लस सिक्स वाई इक्वल टू वन थर्टी, ठीक है। तो ये दो बार में कट गया, तो टू से मल्टीप्लाई करो इसको, सिक्स वाई माइनस टू प्लस सिक्स वाई इक्वल टू वन थर्टी। तो ये 6y और 6y जुट के क्या हो जाएगा 12y और 130, और ये प्लस माइनस टू इधर चला जाएगा प्लस 2 होगा, तो 12y इक्वल टू 132, तो देयर फोर वाई इक्वल टू 132 बाय 12। तो 12 वन जा 12, फिर 12 वन जा 12, तो ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ गुड्स y हमारा निकल गया 11। अब इसके बाद क्या है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा हिक्स बॉर्डर हिक्सियन डिटरमिनेंट से। तो फर्स्ट ऑर्डर हम इसीलिए देखियो घेरा करके रखे थे, मिटाए नहीं थे, हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो
तो यहां पर प्राइस ऑफ एक्स का वैल्यू 4x है, हम लिख देते हैं। प्राइस ऑफ वाई का वैल्यू आपका 6y है, ठीक है, तब आसानी से निकलेंगे। ये ऑप्टिमल क्वांटिटी है, हम फिर चेक करना भी बता देंगे कि गलत बनाए कि सही बनाए। तो बॉर्डर हिक्सियन डिटरमिनेंट करते हैं, इसका वैल्यू जो आना चाहिए वो ग्रेटर देन जेड एक्स एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स लैम्डा, ये आना चाहिए। फिर जेड वाई एक्स जेड वाई वाई जेड वाई जेड, फिर जेड एक्स यानी जेड लैम्डा एक्स जेड लैम्डा आता है, सॉरी वाई लैम्डा लैम्डा वाई जेड लैम्डा लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको ऑप्टिमल क्वांटिटी को हमको दूसरा जगह लिखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा कंजेस्टेड हो रहा है इस जगह। इधर हम लिख देते हैं एक्स का आपका आ गया 16 यूनिट, वाई का 11 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, और ये इसको मिटा ही देते हैं जगह बनाने के लिए। इसका जो वैल्यू आना चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। अब यहाँ पर आप जेड, ये जो जेड है अब एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे तो एक्स कहीं नहीं है तो जीरो होगा। वाई का फिर वाई का रिस्पेक्ट में लेंगे तो वन होगा। फिर लैम्डा का रिस्पेक्ट में लेंगे जीरो होगा, ठीक है। अब यहाँ आइए, यहाँ आप पहले क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे तो वन होगा, वाई के रिस्पेक्ट में लेंगे जीरो होगा, ठीक है। लैम्डा का रिस्पेक्ट में लेंगे, सॉरी यहाँ पर भी लैम्डा के रिस्पेक्ट में लेंगे तो प्राइस ऑफ एक्स यानी माइनस फोर होगा, क्योंकि हम छोड़ दिए यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स की जगह फोर भी कर सकते हैं और यहाँ वाई की जगह सिक्स कर सकते हैं। लैम्डा के रिस्पेक्ट में लेंगे तो माइनस सिक्स होगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें, ठीक है। अब इसको हम पहले किस में लेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे तो माइनस फोर, वाई के रिस्पेक्ट में लेंगे माइनस सिक्स, और लैम्डा के रिस्पेक्ट में लेंगे, यहाँ लैम्डा है ही नहीं इसका। अब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस ये डिटरमिनेंट जो नॉर्मल होता है उसी के इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आता है कि नहीं, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्डर कंडीशन हम सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो देखो ये जीरो रहेगा, जब जीरो लेंगे ये खत्म, ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो जीरो माइनस सिक्स जीरो, फिर माइनस वन, फिर है ये खत्म ये खत्म, तो वन माइनस फोर। डिटर्मिनेंट आपको जानना चाहिए माइनस सिक्स जीरो, देखिए वहाँ भी वो लटक जा रहा है, क्या बोले। तो एक्स इक्वल टू ऑप्टिमल बंडल 16 और वाई का 11, कितना परेशानी होता है सर, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस माइनस फोर होगा तो ये वाला खत्म टर्म, ये तो वन जीरो माइनस फोर माइनस सिक्स। अब यहाँ पर हम करेंगे तो ये देखिए जीरो साफ कीजिएगा, जीरो जीरो माइनस, ठीक है, 36 ये हो गया, माइनस वन जीरो माइनस इंटू माइनस प्लस 24 माइनस फोर माइनस सिक्स माइनस जीरो, तो माइनस ये जीरो करेंगे माइनस 36 को जीरो हो जाएगा, माइनस वन माइनस 24 आएगा यहाँ पर, माइनस फोर और माइनस सिक्स आएगा। अब यहाँ देखिए ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा 24 और ये होगा माइनस इनटू माइनस प्लस सिक्स होगा, सिक्स फोर या 24, ठीक है। तो ये 48 आ गया जो ग्रेटर देन जीरो है, तो यानी हेंस सेकेंड ऑर्डर कंडीशन फॉर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन इज सैटिस्फाइड हो गया, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया, सेटिस्फाइड। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हम लोगों ने सोल्यूशन किया वो सही है कि नहीं। देखिए आपको इतना ही बनाना है, लेकिन आप अपना जो सोल्यूशन किए सही बनाए कि नहीं उसको हम चेक कर लेंगे। तो आपका जो बजट कंस्ट्रेंट है ये वाला जो इक्वेशन नंबर थर्ड, उसमें पुट कीजिए 4x प्लस 6y इक्वल टू 130, यानी गुड्स एक्स एंड वाई का गिवेन प्राइस देने पर कितना यूनिट करेंगे तो 130 आपका इसके बराबर आना चाहिए। तो LHS उठाइए यहाँ पर, तो 4x प्लस 6y, 4x का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला 16,
और y का वैल्यू कितना निकाला 11। अब इसका वैल्यू 130 का था तो मेरा सही है, तो 16 4 64 और प्लस 66। अब ये दोनों को आप जोड़िएगा 66 64, तो क्या होगा 130, यानी हमारा सलूशन सही है। ये आपके चेक करने के लिए है कि आपका सलूशन सही है कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल एंड, जय हिंद।